हेलो एवरीवन, आज मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्डर के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ जो अभी टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल ऐप है। तो उसका ये जो आप देख रहे हो, दिखने में वो आइकन कुछ इस तरीके से एक्स रिकॉर्डर, आप उसे प्ले स्टोर से भी क्या कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। इसके लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में आप लिखोगे स्क्रीन रिकॉर्डर, आप सिर्फ ये लिख दो स्क्रीन रिकॉर्डर, तो जो ये वाला आइकन आएगा आपने क्या कर देना है, उसको क्लिक कर देना है। और मैं ये अपने ग्रुप में भी सेंड कर दूंगी इसका लिंक। तो इसके बाद इसका यूज़ क्या है, मैं आपको यूज़ बता रही हूँ। यूज़ क्या है कि जैसे हमने बुक पढ़नी है, कोई बच्चों को बुक समझानी है, तो ये बहुत ही टिपिकल है कि एक एक पेज हम सेंड करें, उसमें फिर ऑडियो फिट करें। तो उससे अच्छा है कि पहले उस बुक को हमने क्या कर लेना है, डाउनलोड कर लेना। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड करके जब हम उसे टिक करेंगे, आपके पास पीडीएफ के फॉर्म में आ जाएगा। तो पीडीएफ फॉर्म में आने के बाद आपने क्या करना है, बच्चों को समझाना हमने शुरू करना है। ये ऐप की सबसे अच्छी बात ये है कि उसी टाइम हम ये जो स्क्रीन पे जो भी आपको दिख रहा है वो मेरी वॉइस के साथ रिकॉर्ड हो गया है। तो मेरे लिए अब ये बहुत ही ईजी हो गया। मैं बच्चों को ये पार्ट समझाना चाहती हूँ तो मैं बहुत ही ईजिली समझा सकती हूँ, क्योंकि ये पार्ट भी मैं उनको बताती जाऊँगी। और ये जो दिख रहा है आपको ग्रीन ग्रीन मार्क, ये ब्रश का एक फंक्शन है इस ऐप में। तो ये ब्रश का फंक्शन का यूज़ करके अगर मैं उसे ओपन कर देती हूँ, क्लिक कर देती हूँ ब्रश को, तो क्या हो जाता है, मैं कहीं पे भी ये चीज़ पॉइंट कर सकती हूँ, कहीं पे भी मैं ये ड्रॉ कर सकती हूँ, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं हम यहाँ पे। जैसे हमारे पास ड्राइंग का टूल होता है, तो इसके बारे में आपको सारे ऐप में बताने वाली हूँ। पहले आप ये देख लीजिए कि इसका यूज़ कैसे है। मैं आपको एक वीडियो भी सेंड कर दूँगी कि मैंने कैसे उसका यूज़ किया है। इसमें बहुत सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। एक तो यही है कि आप साथ साथ में स्क्रीन भी ऐड कर दो, बुक भी पढ़ा दो, एक ही वीडियो में आपकी बुक भी कंप्लीट हो जाएगी, अलग से आपको ऑडियो सेंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा, आपको ये टूल्स दिख रहे होंगे, सबसे यहाँ पे आप कलर चूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये आपको, ये जो आपको दिख रहा है इससे आप क्या कर सकते हो, जो आपने लाइनें डाली हैं वो एक एक करके क्या हो जाएंगी, मिटनी शुरू हो जाएगी। जैसे मैंने ये तीन लाइन डाल दी, तो अब मैं इसको क्लिक कर रही हूँ तो पहली लाइन गई, दूसरी लाइन गई, तीसरी लाइन, मतलब ये इरेजर का काम कर रहा है। उसके बाद ये तो किसी काम को, ये मुझे भी नहीं पता चला अभी ये वाला जो पॉइंट है वो किस काम का है, ये वाला किस काम का है। तो तीसरा क्या है, जो भी आप काम कर रहे हो, कुछ भी आपने स्क्रीन पे लिखा है, ये क्या करेगा, स्क्रीन शॉट के लिए होता है। वो स्क्रीन शॉट आपकी क्या हो गई है, कलेक्ट हो गई है आपके पास, आपकी गैलरी में। तो ये बुक हम पढ़ रहे हैं। अब चाहती हूँ कि मैंने कुछ अपना किया हुआ है तो मतलब मैं यहाँ पे, आप चाहो तो आप अपनी फेस को अगर आप इसके ऊपर लाना चाहते हो, आप फेस को भी ला सकते हो। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ये वाला जो आइकन दिख रहा है उसको आपको क्लिक करना पड़ेगा। क्लिक करने के बाद ये जो दिख रहा है आपको यहाँ पे, जो तीसरा पॉइंट जो आया था, तीसरे पॉइंट को अगर हम क्लिक करते हैं तो जो कैमरा आ रहा है, तो कैमरे से हमारा फेस क्या आ सकता है, हमारे स्क्रीन के ऊपर आ सकता है। ये देख लो, अगर आप फ्रंट करते हो तो आपका फेस भी आ सकता है। आप कुछ भी चाहो तो साथ साथ में कैमरे का भी दिखा सकते हो और बुक भी पढ़ा सकते हो। जैसे कोई डायग्राम आपने बना लिए, कुछ ऐसा कर दिया, कुछ भी आपकी रिक्वायरमेंट की चीज़ें आप कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको ये बंद करना है तो आप ये कैमरे पर क्या करो, आप डबल क्लिक करो तो क्रॉस का ऑप्शन आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा, पर वो स्क्रीन क्या हो चुका है, इस पूरे में रिकॉर्ड हो चुका है, हमारी वॉइस भी रिकॉर्ड हो रही है। तो मेरे को पढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा टूल लगता है, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके ये तो मैं आपको एक वीडियो सेंड कर दूँगी जिसमें आपको पता चल जाएगा। और हाँ, इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये नोटिफिकेशन आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, नोटिफिकेशन आके बार बार मतलब हमारी वीडियो को अच्छा नहीं बनने देते, अच्छा पॉइंट नहीं मेरे को लगता है कि बार बार नोटिफिकेशन भी शो हो। तो इसके लिए आप ऐसा कीजिए, अपने फ़ोन को एयरप्लेन मोड पर डाल दीजिए जब तक आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तब तक एयरप्लेन मोड में डालने के बाद आप अपनी सारी वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। और यहाँ पे सबसे ये जो आइकन है, ये जो सबसे वाला पहला है, जो डबल लाइन है, वो वीडियो को पॉज करने के लिए होता है। आप वीडियो को पॉज कीजिए, अगर आप कुछ और अलग से ऐड करना चाहते हैं वो आप ऐड कर सकते हैं पॉज करके। जो सेकंड ऑप्शन था यहाँ पे, वो क्या था, वीडियो को ख़त्म करने के लिए। आप जब वीडियो आपकी कंप्लीट हो तो सेकंड वाले ऑप्शन को अगर आप टिक कर दोगे तो आपकी वीडियो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी और वो स्टोर हो जाएगी इस एप्लीकेशन के अंदर, एक्स रिकॉर्डर का जहाँ पे भी ऐप आपने रखा है उसमें। जो तीसरा होता है वो टूल्स होता है, आप जैसे कि कैमरा अपना फेस मतलब शो करना चाहते हो उसके लिए, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो उसके लिए, रिकॉर्डिंग बंद करना चाहते हो उसके लिए, ये सब सारी चीज़ें हमें फैसिलिटी यहाँ से मिल जाती है। और मैं क्या करती हूँ,
कई बार इसको ओपन करके, ये जो आपको ब्रश दिख रहा है उसको ओपन करके मैं टेस्ट भी चेक कर लेती हूँ। और टेस्ट को मैंने चेक कर लिया, और टेस्ट या फिर किसी को भी कुछ बताना हो तो ये पॉइंटर यूज़ करके, पॉइंट आउट करके, स्क्रीनशॉट लेके मैं उसको बता देती हूँ। तो ये चीज़ से उसको बहुत ज़्यादा अच्छे से पता चल जाता है कि कहाँ से किस चीज़ के लिए मैंने उसको बोला है। टेस्ट भी मैं ऐसे चेक करके स्क्रीनशॉट ले करके भेज देती हूँ, अलग से मैं गैलरी में जा करके ओपन करके नहीं करती। उसके बाद ये काम कैसे करेगा, अब जैसे देखिए ये आपको दिख रहा है, मैं इसको थोड़े टाइम के लिए पॉज कर देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी। चलो ठीक है, पॉज आप चाहते हो करना तो कर सकते हो, मैं इसके बाद बताती हूँ। जैसे ये हमारा ना वीडियो बनना बन गया है, मान लीजिए हमारी वीडियो ये बन गई है। बनने के बाद आप इसे जब क्लिक करोगे तो पॉज भी हो सकता है और बंद भी हो सकता है। बंद करने के बाद मैं आपको बताती हूँ कैसे बताऊँ। मैंने वो आपको बता दिया कि भई वो रिकॉर्डिंग कैसे करनी है। फिर वो रिकॉर्डिंग है कहाँ पर, ये एक्स रिकॉर्डर जो हमारा ऐप है उसमें जाएंगे, वो उसमें ये रिकॉर्डिंग हमारी पड़ी हुई है। तो हमने जैसे ही इसे ओपन किया, कुछ ऐड आने के बाद वो वीडियो, ये आपको दिख रहा होगा स्क्रीन में मेरे, सबसे पहले है स्क्रीन पे, तो ये वाली वीडियो है जो मैंने अभी अभी आपको बनाई थी। हेलो एवरीवन, रॉबर्ट से आप देख सकते हैं, उसे कर देती हूं। इसके बाद मैं आपको, तो ये आपके सबसे फ्रंट पे क्या हो जाएगी, वीडियो सीन हो जाएगी। आप इसको शेयर करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो, आप यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली। उसके बाद अब मैं इसके ना सेटिंग के बारे में आपको बताने जा रही हूँ। इसका सबसे नीचे में आपको दिख रहा होगा सेटिंग का ऑप्शन, जब हम खोलते हैं तो ये सब सारे ओरिएंटेशन, हाँ आप ऐसा भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ आपकी स्क्रीन रिकॉर्ड हो, आप कोई बुक चाहते हो बुक रिकॉर्ड हो, आप कोई स्लाइड रिकॉर्ड हो, ऐसे करके जस्ट वीडियो बनेगी, आपकी आवाज़ नहीं जाएगी अगर इसे क्या कर दोगे, आप ऑफ कर दोगे। उसके बाद मैं इसके जो हमारे ज़रूरत की चीज़ें, मैं वही बता रही हूँ आपको। अगर आप चाहते हो कि आपका जो रिकॉर्डिंग फ़ोन को शेक करके बंद हो तो आप यहाँ से इसे ओपन कर लीजिए। आप ये चाहते हो कि हमारी स्क्रीन ऑफ़ होने के बाद भी रिकॉर्डिंग ऑन हो, क्योंकि मैंने ये करके रखा है स्क्रीन ऑफ होने के बाद रिकॉर्डिंग भी क्या हो जाती है, बंद हो जाती है मेरी, लेकिन आप चाहते हो कि फिर भी ऑन रहे तो आप इसे ओपन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट किसी भी पेज का वीडियो बनाते समय आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसे ओपन, वैसे उसको ओपन करने की ज़रूरत नहीं, ये वाला जो टूल है ना आप इससे भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कैमरा आपको बता ही दिया है, अगर आप फेस रखना चाहते हो अपना या फिर कोई और यहाँ पे रखना चाहते हो, यहाँ पे आप चाहते हो आप अपना कोई पेज बनाया हुआ है वो बच्चों को दिखे तो कैमरे की हेल्प से कर सकते हो। और ब्रश सबसे इम्पॉर्टेंट टूल, और मेरा ये टूल मेरा सबसे फेवरेट है, क्योंकि मैं कभी भी सिर्फ रिकॉर्डिंग के लिए नहीं, अदर चीज़ों के लिए, चेकिंग वगैरह के लिए भी इस टूल का मैं यूज़ कर लेती हूँ। और हाँ, ये जो टूल है इसके एक ब्रश एक कॉर्नर हमेशा आपके स्क्रीन के एक कॉर्नर और जो दूसरा वाला पार्ट है सेकेंड कॉर्नर पे बना ही रहता है। आपको क्या करना होता है, ड्रैग करके उसे क्रॉस के अंदर ले जा करके वो चीज़ बंद करनी होती है जब आपके काम की नहीं है। नाउ अगर आप बस ब्रश है, लैंग्वेजेस हैं, बस इतने काम का है, और होप सो आप सबके ये वीडियो काम आएगी, और कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। और हाँ, ये जो वीडियो है मिस कल्पना मैम ने मुझे बताया था, उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया था, और उन्होंने ये डिस्कवरी उनकी ही है।